trying to meet the challenges. कौन सा पार्ट? ब्रेन का कौन सा पार्ट? अभी मैंने थोड़े दिन पहले हमने बात किया था स्टीरॉइड्स इन रिलेशन टू स्टीरॉइड्स क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं. हम बात कर रहे थे वन पार्ट ऑफ आवर अटेंशन इज ट्राइंग टू मीट द करंट नीड्स एंड चैलेंजेस, अनदर पार्ट इज डिफेंडिंग अगेंस्ट नॉट फीलिंग सेफ. तो मेरे जहन में आया कि देर इज सम कोरिलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हियर विद आवर डिफेंस सिस्टम. तो वी हैव, अगर हम देखें, हमने दिल्ली में भी बात किया, वी हैव टू डिफेंस सिस्टम्स. वन इज रिलेटेड टू फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एंड अदर इज इम्यून सिस्टम, राइट. तो फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एंड इम्यून सिस्टम दो हमारे. तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या करते हैं? They are suppressing your immune system. By suppressing our immune system, we are putting our patients in a flight and fright response. ये बात करने की थी कि हमने जैसे उनको उनके immune system को suspend किया तो हमने उनको flight and fright response में भेजा. हमने उसको ज़्यादा muscular कर दिया, हमने उसको ज़्यादा strengthened कर दिया muscles के part के ऊपर. हमने उसको ज़्यादा immune system का काम रोक के हमने उसको ज़्यादा लोअर ब्रेन में भेज दिया. तो हम ऑलरेडी लोअर ब्रेन में ही हैं अनडिवाइडेड और डिवाइडेड अटेंशन के साथ, और हमने एलोपैथिक सिस्टम के साथ और धक्का लगा दिया और नीचे कर दिया उसको. तो क्या हम ठीक करेंगे उसको? ठीक है, बात समझ में. वी हैव टू, अब मैं फिर एक बार, क्योंकि बच्चे जो इनटच है उनको बात समझ में आती है जिनको नहीं आई. वी हैव टू सिस्टम्स, इम्यूनोलॉजी and fight response in relation to stress hormones. Stress hormones are defending you on your physical part. भगाने के लिए लंबे दूरी का घोड़ा ऐसे ले लो, भाग जाने के लिए. Immune system आपका अंदर fight कर रहा है रोग के साथ. जब भी automatically हमारा flight and fright response on होता है तो immune system automatically suppress होता है. या आप पढ़ के देखना उसमें से, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में से पढ़ना, विल फाइंड कि व्हेन योर स्ट्रेस हार्मोन्स आर ऑन योर बॉडी बिकम मोर फिजिकल, योर इम्यून सिस्टम गॉट सप्रेस्ड. तो बाय पुटिंग आवर पेशेंट्स ऑन अम्यूनो सप्रेसेंट्स वी आर सप्रेसिंग देयर इम्यून सिस्टम. एंड क्या हमने ऑन कर दिया? फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स को. क्लियर हो गया कि नहीं बात? तो हमने उसको और नीचे भेज दिया. सो हम आगे बात कर रहे थे, ऑप्टिमम लर्निंग परफॉर्मेंस क्रिएटिविटी इज व्हेन ऑल ऑफ आवर अटेंशन इज फोकस्ड, नन इज वेस्टेड इन डिफेंस. पूरी पूरी एनर्जी अगर हमने डिफेंस में वेस्ट कर दी तो वी कुड नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमम लर्निंग परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिविटी. बच्चे नहीं पढ़ते अक्सर बात आजकल, एंड जो ADHD है वो तो पढ़ेंगे क्या? उनके पेरेंट्स भी आके बोलते पढ़ते नहीं. अरे पहले भाई वो अटेंशन लेंगे तभी पढ़ेंगे ना. और जितने भी बच्चे नहीं पढ़ते देयर अटेंशन इज डिवाइडेड. यू हैव टू फाइंड समवेयर कि वेयर देयर अटेंशन इज डिवाइडेड, एंड हम ऐसा क्या करें कि उनकी अटेंशन फोकस्ड हो जाए. विद एवरी पेनफुल आउटकम और फियरफुल स्टेट अनडिवाइडेड अटेंशन स्टॉप्स, प्लीज स्टॉप्स. लर्निंग क्रिएटिविटी परफॉर्मेंस सेंस ऑफ वेलबींग स्टॉप्स. ये हमारा डिजीज पार्ट शुरू हो गया. विद एवरी पेनफुल आउटकम और ए फियरफुल स्टेट अनडिवाइडेड अटेंशन स्टॉप मीन्स जो अटेंशन थी वो डिवाइड हो गई और हमारा जर्नी बीमारी के लिए चालू हो गया. कॉन्टिन्यूड बिहेवियर्स, our receptive behavior that is developed in training, like conditioned behavior. ये एक और हमने लगानी है understanding की intake. और our receptive behavior that is developed in training, like driving a car, fixed patterns of life is a conditioned behavior. We all are conditioned. Our conditioning is reinforced with external rewards and punishment, approvals and disapprovals. हमारे साथ भी ऐसे हुआ, हम बच्चों के साथ वही कर रहे हैं. विद रिवार्ड फॉर अचीवमेंट फेल्योर मैसेजेस ऑलवेज देयर. ये हमने कभी नहीं सोचा कि अगर आपने किसी को बोला ना शाबाश बेटे,
बोलना तो चाहिए, और उसके लिए इनाम दे दिया, फर्स्ट पोजीशन वालों को ये है, फर्स्ट थर्ड को ये है, फर्स्ट टेंथ को ये है, लेकिन उसके साथ फेलियर मैसेज है, आई हैव अ केस हेयर अगेन टू डिस्कस, हमने मैंने कल ही प्रूव किया उसको, बच्ची है 3-4-5 साल की शायद, डायबिटिक हो गई, फोर्थ ईयर में शुगर हो गया, तो मैं ढूंढ रहा था कि वेयर शी हैड लॉस द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, शुगर इज लॉसिंग द स्वीटनेस ऑफ लाइफ एंड नॉट द बिटरनेस ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद वीट एलर्जी, अगेन अ बिटरनेस, स्वालोइंग बिटरनेस ऑफ लाइफ। तो ढूंढते ढूंढते पाया कि इसको बोला कि हम फ्राइडे चलते, डे बाई का सैटरडे, तो बोली नहीं मेरे को जो ट्रॉफी मिलनी है फुल अटेंडेंस की वो नहीं मिलेगी, तो शी नेवर स्पेयर टू कम ऑन एनी अदर डे देन सैटरडे, कि सैटरडे छुट्टी है मेरी फुल अटेंडेंस की मेरे को एप्रिसिएशन मिलने वाली है, तो वो एप्रिसिएशन में फंस गई। तो देन आई क्वेश्चन मदर कि आप भी ऐसे ही थे, शी सेड यस, बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर अवर एक्सटेंशन, चिल्ड्रन आर अवर एक्सटेंशन इन मोर सेंसिटाइज एंड मोर स्ट्रॉन्गर फॉर्म देन अस, बिकॉज ऑल द पेरेंट्स वांट्स बट दे कुड नॉट हैव अचीव्ड, देयर चिल्ड्रन कैन, एंड दे पुट सो मच प्रेशर, पुटिंग सो मच कंडीशंस, पुटिंग सो मच एफर्ट्स कि ये डॉक्टर बन जाए, ये फलाना हो जाए, ये ऐसा हो जाए, लेकिन उसकी क्या हालत हुई ये कोई नहीं जानता। तो उस कंडीशनिंग में उस बच्ची ने परसीव किया, कहाँ से स्ट्रेंथन कहाँ से हुआ, जिसने मेरे को और अंडरस्टैंड कराया, बेटा बिल्कुल ही लापरवाह, पढ़ते ही नहीं, और बोलते इसकी प्रेगनेंसी में मेरे को ये बहुत प्रेशर था कि इस बच्चे ने तो मेरा सिर झुका दिया, मेरी तो इतनी पोजीशन आती थी, और मेरा ये बच्चा एटलीस्ट मेरा नाम रोशन करे, इस प्रेशर में, इस कंडीशनिंग में, इस प्रेशर के नीचे वो बच्ची का जन्म होना है, ये पहले ही निर्धारित हो गया, और उसमें उसने जन्म लिया, स्कूल में जाती है, और आफ्टर स्कूलिंग विद इन 1 or 2 years शी गॉट अ पी। तो क्या परफॉर्मेंस का प्रेशर ऑटोमेटिकली शी हैड रिसीव, दो पेरेंट्स आर नॉट सेइंग, ऑटोमेटिकली शी गॉट एंटेंगल्ड इन रिवार्ड्स फॉर अचीवमेंट्स, नहीं मिला तो जिंदगी नहीं है, नहीं मिला तो यू आर नथिंग, नहीं मिला तो अनवर्थी है, ऐसा। तो उसके लिए उसको अपने सिस्टम से उनको प्रेशर डाला, गुस्सा पिया, अपने आप को लॉस किया, और डायबिटिक हो गई। क्यों हुई, ब्रेन को और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते करते इस स्टेट में चले गई। ये अचीवमेंट में कोई फंसाए ना फंसाए, बच्चे आजकल अपने आप ही फंस जाते हैं। मैंने देखा कंपटीशन में बच्चे, यहाँ हमारा वन देयर वाज टू गर्ल्स प्लस टू, एंड वो एक बैच बना रखे इन्होंने आजकल एलाइट बैच, और उसमें से दोनों के कंपटीशन में एक की एक बच्ची को हुआ मायस्थीनिया, शी लॉस्ट हर विजन बाय क्लोजिंग हर आइज, एंड वन गॉट सीवियर सर्वाइकल चेंजेस विद यू कैन से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। तो ये हालत हो रखी है हमारी डिफेंस में जीते जीते टू गेटिंग दीज रिवार्ड्स। तो फेलियर मैसेज इज ऑलवेज देयर कि अगर ये नहीं मिला तो आई गॉट फेल्ड, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं मिला आई गॉट फेल्ड, इफ आई गॉट फेल्ड आई कांट सर्वाइव, राइट। रिवार्ड्स आर जस्ट एज वायलेंट एज आर पनिशमेंट्स, ऐसे ही वायलेंट है जैसे पनिशमेंट, ये नहीं चाहिए, बच्चे को सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए, लव चाहिए, कोई बात नहीं कम नंबर आए नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, ऐसा चाहिए कुछ। Play with its intense presence, attention, care and affection takes the pressure off of being perfect, fixed and conditioned. Condition से perfect होने से, fix होने से हमें एक relaxation में लेके जाता है। तो we have to take our journey towards play, towards full attention, towards wholeness, towards joy, gradually, gradually. Aphorism number 16. Our vital force as a spirit like dynamis. Spirit is from spiritual. Dynamis means
and the movement, energy as well as particle, both. Our vital force as a spirit like dynamis can't be attacked and affected by injurious influences on the healthy organism caused by external inimical forces that disturb the play. Kaunsa play? Harmonious play. Play ke saath hi dekha maine kuch milna hai. That disturb the harmonious play. Harmonium baj raha tha aapki zindagi ka bahut beautifully. To kuch gadbad hui. Kahin se spiritually, dynamically, to hamare upar effect aaya. Otherwise than in a spirit-like dynamis way, iske bagair, spirit-like dynamis way, and in like manner, all such morbid derangements can't be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like alternative powers of the serviceable medicine acting upon our spirit like vital force. Hum jante hain, padha hua hai, just it is to refresh. Jaise Guru Haniman sahab ke gyan ko humne dobara se ek bar fir apne aap ko refresh karna hota hai, aise ki hum spirit se hi disturb hue, hum spirit se hi theek hone wale, chahe wo spiritually ho jaye, chahe wo Haniman ki spirit ke sath ho jaye, in dynamic medicines ke sath ho jaye. Alternative powers of serviceable medicine acting upon our spirit-like vital force, which perceive them through the medium of the sentient faculty of nerves everywhere present in the organism, so that it is only by their dynamic action on the vital force that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony after the changes in the health of the patient, cognizable by our senses, have revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure. Bhagwan bless kare aise physicians ko jinhone recognize kar liya a patient as a whole through their senses and perceived a picture and prescribed a right remedy. उसके साथ आपने क्या किया आपको भी नहीं मालूम, वो अभी आपको नहीं मालूम कि राइट रेमेडी के साथ आप क्या करने जा रहे हैं. ये इतनी इतनी हायर चीज़ है, ये अभी आपको नहीं मालूम. आई थिंक यू विल बी एबल टू फील इट आफ्टर मोर 10 ईयर्स कि व्हाट इज ये साइंस है, क्या ये क्या कर रही है. राइट, तो इस सो प्रैक्टिकल पार्ट with practical hints, delusion, delirium, and general symptoms. I have took one symptom only. Hello. Ye bit break ho raha signal. General symptom as we took from our repertories, grief undermined the constitution. Ek maine utha liya. I think phosphorus is there. Or delusion and delirium. स्ट्रेंथ वाइज हम देखेंगे कि जितनी सिवियरिटी ज़्यादा हम डिजीज़ को शुरू करें, डायनामिक्स पार्ट टू स्ट्रक्चरल पार्ट, फिजियोलॉजिकल पार्ट टू स्ट्रक्चरल पार्ट, फिजियोलॉजिकल पार्ट टू स्ट्रक्चरल चेंजेस पार्ट. एक जगह थी जहाँ पे स्ट्रक्चर नॉर्मल है, फिजियोलॉजी अल्टर्ड है, बायोकेमिस्ट्री अल्टर्ड है, फिजियोलॉजी एक स्ट्रक्चरल अल्टर्ड है. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मूव फॉर कि हमें क्या करना है. तो अगर हम चलें नीचे से तो जनरल सिम्टम्स आर फॉर फिजियोलॉजिकल पार्ट, डिलीरियम विट डीपर एंड डिल्यूजन एंड डिल्यूजन एंड डिलीरियम्स आर मोर डीपर, दे हैव अ पावर टू चेंज द स्ट्रक्चर्स एंड जनरल सिम्टम्स आर जनरल पैथोलॉजीज एंड फिजियोलॉजीज. लेकिन ये भी मत ढूंढने लग जाना कि हर केस में आपको डिल्यूजन मिलने वाला, ये भी जरूरी नहीं है. ये भी जरूरी नहीं है कि हर केस में डिलीरियम मिलना. दिस इज नॉट अ फिक्स्ड फिनोमेना, प्लीज माइंड इट.
आपको सही वर्ड पे, सही सही उस पे, आत्मा पे पहुंचना कि एग्जैक्टली इसका जो सेंट्रल पॉइंट, इसका जो जहाँ से ये शुरू हुआ वो कहाँ पे है, ये इसका सर्कल ऑफ डिजीज कहाँ से सेटन हुआ, हमने वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे फिर जो वर्ड आए उसको उठा लेना। मैं कल बात कर रहा था सिंपल वे में, व्हेन आवर यंगर चिल्ड्रंस आर, यंगर कोलीग्स आर, वी आर टेकिंग अ केस एंड वी फील अ रिपीटिंग ऑफ सेम थिंग एन अ केस, मेरे साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, चार बार गलत लग गया, पांच बार आ गया, तो गलत को सर्च कर, ये गलत के लिए सेंसिटिव है, ग्रीफ हुआ, दुआ, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, एंगर, 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 कुछ भी, बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो उसका सेंट्रल चल रहा है ना ऑटोमेटिकली वाइटल फोर्स का, उसमें ये बात परसीव हो गई और वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में वैसी घटनाओं को बार बार अंजाम दे रही है। एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तीसरी घटना हुई, तो वैसे ही ज़िंदगी होती 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 ऐसे हो गई। तो डिल्यूशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिल्यूडिंग, आपने सुना होगा, डॉक्टर गगन ने शायद एक वर्क करवाया, द स्टेट ऑफ बीइंग डिल्यूडेड, अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन, अ फॉल्स बिलीफ स्ट्रांगली हेल्ड इन स्पाइट ऑफ इनवैलिडेटिंग एविडेंस, एविडेंस भी हो गया लेकिन फिर भी बिलीफ नहीं टूटा, भरम नहीं टूटा। हमने दिल्ली में एग्जाम्पल लिया था कि मैं अगली हूँ, ये भरम नहीं टूटा, मैं बुरा हूँ, ये भरम नहीं टूटा, मैं पुअर हूँ, है नहीं, मैं पुअर हूँ, मैं रिडिकुलस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, ये भरम नहीं टूटा, और वो जैसे चलने लगा वो साइकिल, मैं फोरसेक्ड हूँ, ये भरम नहीं टूटा, तो फोरसेक्ड ही होता 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 डिफेंड करते करते ख़त्म हो गया, ज़िंदगी फोरसेक ही चले, गुरबानी बोलती है खाली आया खाली गया, क्योंकि पहचाना ही नहीं है कि फोरसेक कहाँ से है, अवेयरनेस ही नहीं आई इतनी कि फोरसेक कहाँ से है। तो ऐसे अ डिल्यूटेड स्टेट क्लियर नहीं है, तो डिलीरियम इज आल्सो समवेयर नियर a temporary state of mental confusion and clouded consciousness resulting from high fever, intoxication, shock or other cause. It is characterized by anxiety, disorientation, hallucination, delusion, trembling and incoherent speech, a state of uncontrolled excitement or emotions. Now, when your mind is in delirium, it is in an intoxicated state. It has no control of you. It is repeating the same thing. Please mind it. When your mind is repeating the same thing, not pathologically, बीमारी के साथ नहीं, जिंदगी में repeating the same thing. Let us take one example. Delirium work about his delirium work of his and ये दवाइयाँ आपने देख ली and delusion work accomplish not brainy, we are talking about brainy only, ये दो शब्दों में brainy खत्म, ये सब इसलिए अब पूरी पिक्चर इसके पीछे बन जाएगी। ब्रानिया वांट टू बी कैरिड, ब्रानिया फील्स पुअर, ब्रानिया वांट सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। डिफरेंशिएट कैसे करना, अभी रिसेंटली केस एक देख रहा था मैं, थ्रॉट कैंसर, दोनों बेटे वेल टू डू है, जॉब में, वाइफ्स की जॉब में, खुद वो लाहौर का काम करते हैं और बेटे पिछले चार पाँच साल से बोल रहे हैं कि बापू ये छोड़ दे, इट इज़ नॉट ऑफ आवर स्टेटस एंड ही सेज, जब वो पढ़ते थे पढ़ाई छोड़ो
पढ़ाई करके क्या करनी, काम सीख लो आपके काम आएगा। काम 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 काम, मैंने क्या बोला, एक वर्ड रिपीट होने वाला। इस स्टेट में ही सो वीक एंड थिन, कुड नॉट एबल टू मूव इवन प्रॉपरली, थोड़ा चल सकते, थोड़ा ठीक होते जाके दुकान खोल लेते। फिर अभी काम अच्छा करते थे, ग्राहक आ जाते, तो छोटा बेटा थोड़ा एंग्री है, तो बोलता कि अब 10 दिन पहले थोड़े ठीक थे, दुकान खोल के बैठे हुए से मैं आया, मैंने देखा कि लोग बैठे, मैंने भुखाया उनको और इनको फिर बोला, अगेन ही गॉट दिस। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर कि इस आदमी को क्या मेनिया है। अभी थ्रॉट कैंसर, पीछे पूरी पिक्चर देखो, थ्रॉट कैंसर कहाँ से आया, नॉट वांट टू सॉल्व, बॉडी हैज टू इंक्रीज सेल्स हेयर टू सॉल्व मोर, टू पुट मोर स्लाइवर, टू पुट मोर यू कैन से डिग्लूटेशन एफर्ट्स, टू पुट मोर एफर्ट्स टू ब्रीथ। तो वो बच्चे जैसे बोलते तो मेरा जैसे गला दबा रहे, ये उसकी ये फीलिंग है पैथोलॉजी का। बट वट इज इंडिविजुअलिटी है कि मेरे को काम से इतना प्यार है, मैंने उसको पूछा एंड दैट दे हैड कन्फर्म, कर्म योगी, कर्म ही मेरी जिंदगी। तो देन आई सर्च फॉर वर्क एंड फाइंड डिलीरियम। वट इज डिलीरियम नाउ ऑफ ब्राइनी एंड वी हैव सीन, वर्क 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 वर्क, दिमाग क्या बोले जा रहा है, काम 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 काम, मेरे को करने नहीं देते, को ब्रेक किया, वो करने नहीं देते ने, थॉट क्या था, धुन क्या थी, वर्क की, एंड दैट थिंग वाज कन्फर्म्ड विद माय वर्क इज नॉट अकम्प्लिश्ड, ये दोनों ही फिट बैठते हैं। तो डिलीरियम इज अ रिपीटेड स्टेट एंड डिल्यूजन इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर रिपीटेड स्टेट। ये मैं कल बोल रहा था, ये हथियार बहुत घातक है इन पैथोलॉजीज के लिए, और आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो ठीक होना चाहिए। तो ये मैं बात बताने वाला था इस बार नहीं, कि फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, डिल्यूजन हम बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन जो अभी ये मैं बता रहा हूँ कि जस्ट सर्च फॉर अ सेम रिपीटेड वर्ड इन योर केस एंड फाइंड द एप्रोप्रिएट रूब्रिक अकॉर्डिंगली एंड देन एम्बेड दैट थिंग विद सोरा एंड योर रेमेडीज आउट। ये बहुत ब्यूटीफुल है, अगर उसमें कुछ जनरल रूब्रिक भी आ जाए, एलिमेंट भी आ जाए तो चलेगा। कल बेटी मेरे को रिकॉल करवा रही थी, रिसेंटली हैड टू प्रिस्क्राइब सम पर्सन विद डिल्यूजन रुइंड एंड वी वाज कन्फर्मिंग द रेमेडी बिफोर दैट डिल्यूजन, के वुंडेड विद ग्रीफ, वुंडेड विद ग्रीफ एज ए नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन गेटिंग, क्या मैंने क्या पाया वहाँ से कि मेरी आत्मा जख्मों से छलनी हुई पड़ी, दाग, जैसे ना दाग दिया किसी को, हीट के साथ दाग देते ना, दाग पड़ गए अंतरात्मा के ऊपर, दाग पड़ गए, वूंड हो गए, जख्म हो गए, और इसी स्टेट ने उसको रुइन कर दिया। तो इट दीज स्टेट्स कैन बी इन अ सिंपल रूब्रिक, दोस एट दैट स्टेट सोरा इज डिवेलपिंग, वेन सोरा गॉट डिवेल्प दैट कैन बी ऑन द बेस ऑफ दीज डिल्यूजन्स। तो इनको आप जितना हो सके अपने साथियों के माध्यम से पकने की कोशिश करो, ये बहुत लिथल हथियार है अब जो लास्ट नया बन के आया, तो ये बहुत काम करने वाला, मैंने रिसेंटली इसके साथ बहुत अच्छा आउटकम देखा है।